Hello everyone, welcome to Physics Queen. गाइज जैसा कि आपको बताया सी एस आई आर ने अपने एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर कर दी है वन एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट वी आर हैविंग टू सेपरेट एग्जामिनेशन इन द सेम ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो गाइज यू आर हैविंग बिग अपॉर्चुनिटी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन विद गुड ऑल इंडिया रैंक एज यू नो पार्ट ए प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जामिनेशन सो टू एक्सेल अवर स्कोर इन दिस एग्जामिनेशन गाइज वी आर जस्ट स्टार्टिंग पी वाई क्यू सीरीज़ फॉर द पार्ट ए सेक्शन राइट सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे डिस्कशन को सो so हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2020 पेपर से जो सी एस आई आर नेट का 2020 पेपर था उसके जितने भी पार्टी सेक्शन में प्रॉब्लम्स थी उनके डिस्कशन से हम लोग हमारा जो है वो सेशन स्टार्ट करेंगे सो बिफोर स्टार्टिंग स्टार्टिंगर डिस्कशन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज़ अनिरुद्ध कृष्णा आई हैव डन बी टेक इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्लीटेड एम एस सी इन मैथमेटिक्स आई आल्सो क्वालिफाइड गेट मैथमेटिक्स एग्जाम विद द ऑल इंडिया रैंक फोर थर्टी नाइन एंड आई है डिकेड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक एंड एडवांस मैथमेटिक्स सो गाइज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी नवंबर पेपर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जीरो दिस एक्सप्रेशन इज़ गिवन टू यू ऑब्वियसली गाइज हमें एफ जीरो निकालना है वी आर गोइंग टू फाइंड एफ जीरो सो ऑब्वियसली यू कैन ऑब्जर्व दैट वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एज माइनस टू दैन ओनली वी आर एबल टू गेट एफ जीरो ना सो so, यहाँ पे आप एफ जीरो पुट करेंगे तो ये आपका होगा एफ जीरो और एक्स की जगह हमें पुट करना माइनस टू सो माइनस टू प्लस वन एंड द पावर इज थर्टी फोर Similarly, we are having minus 2 plus 1 and this power is 33 and plus 5. Right? So, here you minus 1 power 34. This is even power. So, it will give you plus 1. Na. And here we are having minus 1 power 33 and this is plus 5. So, we are getting 1 and this is minus minus 1 and plus 5. Now, you can easily simplify this expression. You will get 7 here. So, choice B is definitely. Correct choice. So this is the question from two thousand twenty paper. In the upcoming video, we are going to discuss more questions from the party section from the same year two thousand twenty. So please like and share this video with your friends and mates. Thank you so much.